हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बी टेक पर। मैं हूं बी और आज हम बात करने जा रहे हैं मी ए टू या कहे मी सिक्स एक्स के बारे में, जो कि आज ही चाइना में लॉन्च हुआ है। सो लेट्स चेक इट आउट। तो ये फ़ोन जैसे कि काफ़ी लीक्स और रूमर्स आ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने लीक्स और रूमर्स बताए थे वो काफ़ी हद तक सच हुए हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या बेसिक स्पेक्स मिलते हैं। इसके अंदर हमें एड्रेनो 660 मिलता है और एड्रेनो 512 जीपीयू मिलता है। अगर हम इसके रैम ऑप्शंस की बात करें तो हम इसमें तीन रैम ऑप्शंस मिलते हैं, 4GB 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज। जी हाँ, हमें इसमें 128GB स्टोरेज का भी वेरिएंट मिलता है, और जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसकी अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो हमें इसका डिज़ाइन काफ़ी Redmi Note 5 Pro जैसा मिलता है, जिसमें पीछे की तरफ हमें डुअल कैमरा मिलता है जो कि iPhone 10 की सीधी सीधी कॉपी है। और साथ ही साथ बात करें अगर फ्रंट में, तो फ्रंट में इसके अंदर 5.99 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है, और Redmi Note 5 Pro की डिस्प्ले काफ़ी अच्छी थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसकी डिस्प्ले भी उतनी ही अच्छी होगी। हमें इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर बैक की तरफ देखने को मिलेगा, और बैक की तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, दो कैमरास। जो मेन कैमरा है हमारा वो है 12 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर f1.7 है, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 20 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर b1.7 है। तो ये दोनों कैमराज में अपर्चर f1.7 डाल देने से Xiaomi ने मुझे काफ़ी खुश किया है। अपर्चर 1.7 का मतलब है ये लो लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, और साथ ही साथ ये Redmi Note 5 Pro को आसानी से बीट करने वाला है कैमरा परफॉर्मेंस में। जैसे कि आप जानते हो, लास्ट ईयर यही हुआ था जब मी A1 आया था, उसने Redmi Note 4 को बहुत आसानी से कैमरा डिपार्टमेंट में बीट कर दिया था। तो वैसे ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मी 6X या मी A2 भी Redmi Note 5 Pro को बहुत आसानी से बीट कर देगा कैमरा डिपार्टमेंट में। अगर बात करें हम इसके फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा हमें 20 मेगापिक्सल मिलता है f1.7 के साथ। जी हाँ, फ्रंट कैमरा में भी सेम लेंस दिया गया है, और साथ ही साथ हमें फ्रंट फ्लैश भी देखने को मिलती है। बात करें इसके कैमरा के अंदर क्या नया है, तो हमें इसके अंदर कैमरा के अंदर AI देखने को मिलती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपके सीन को जज करेगा कि किस चीज़ की आप फोटो क्लिक कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग आपके सारे कलर्स वगैरह को, सेचुरेशन को, ISO लेवल, जो कैमरा की सारी स्पेसिफिकेशन होती है, जो सारी एडजस्टमेंट्स होती है, उनको एडजस्ट करेगा और आपको एक सिंपल फ़ोटो से थोड़ी और बेहतर फ़ोटो निकाल कर देगा। बात करें इसके अंदर बैटरी की, तो बैटरी इसके अंदर में 3010 mAh की मिलती है, एक्सपेक्टेशन यही थी, और इसके अराउंड ही बैटरी हमें इसमें मिली है। पर अच्छी बात यह है, हमें इसके अंदर क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट मिलता है। इसके अंदर चाइना में लॉन्च हुआ है, तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है MIUI 9.5 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, और अगर ये इंडिया में आता है, आने के चांसेस बहुत है, क्योंकि मी A1 की मार्केट इंडिया में काफ़ी अच्छी थी, तो ये भी इंडिया में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और अगर इंडिया में आएगा तो ये एंड्रॉयड 1 के प्रोग्राम के साथ आएगा, और उसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड ओरियो 8.1 देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, जो कि मेन बहुत ज़रूरी बात है। तो प्राइस इसका चाइना में जो बेस वेरियंट है उसका है 1599 चाइनीज करेंसी में। इसको अगर हम इंडियन करेंसी में ट्रांसलेट करें तो ये आता है 16,000 रुपीज़। मैंने भी अपनी पुरानी वीडियो में यही बताया था कि मी A2 का प्राइस 16,000 के अराउंड ही आएगा, और यही प्राइस आया है। और ये 16,000 में काफ़ी क्लियर स्मार्टफोन है, मींस USB टाइप सी देखने को मिलता है हमें, 6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी फुल HD प्लस की 18:9 की जो नया ट्रेंड है वाली डिस्प्ले है, डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिनके अपर्चर के अकॉर्डिंग कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होने वाली है, और AI भी है, तो मैं कैमरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मी A2 से। तो इस सारे स्पेक्स के साथ प्राइस काफ़ी रिजनेबल है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस है। अब सारी बात हो गई ये इंडिया में कब आएगा। इंडिया में आने के चांसेस इसके हम उससे जज कर सकते हैं कि मी 5X के 1.5-2 महीने बाद हमें हमारा मी A1 देखने को मिला था एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के साथ। तो अगर हम उसी अकॉर्डिंग चले तो 1.5-2 महीने बाद हमें मी A2 देखने को मिलेगा, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम एंड्रॉयड 1 के प्रोग्राम के साथ ही आए, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड को इंडियन कंज्यूमर्स ने बहुत पसंद किया था मी A1 में, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मी A2 में भी एंड्रॉयड 1 का प्रोग्राम आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने सजेशंस को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना ना भूले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ऐसी और टेक वीडियोस के बारे में आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहे और देखते रहिए बी टेक। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।